दीपावली की रात को किया जाता है। छोटी दीपावली के दिन दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करके उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा और भी है। रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया, कोशिश करते थे, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को अपने सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले कि मैंने तो कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहां आने का मतलब है कि मुझे नरक में जाना है। आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे एक विनती करता हूं, मुझे एक वर्ष का और समय दे दो। यमदूत राजा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक वर्ष की मोहलत देते हैं। राजा अपनी परेशानियों को लेकर ऋषियों के पास गए और उन्हें सब वृतांत कहकर उनसे पूछा कि कृपा इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है, ये मुझे बताइए। तो ऋषि बोले कि हे राजन, आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कीजिएगा, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाइएगा, उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया था। तो इस प्रकार चतुर्दशी का व्रत करके राजा जो है वो पाप मुक्त हुए। उन्हें विष्णु लोक में भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु इस भूलोक के अंदर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन का व्रत जो है वो प्रचलित थे। सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर पानी में अपामार के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार दर्शन करने से, आराधना करने से, स्नान करने से पाप कटता है, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कथा एक और भी है। पुरातन काल में हिरण्यगर्भ नाम के स्थान पर एक योगीराज रहते थे। उन्होंने भगवान की घोर आराधना के लिए समाधि शुरू करी। समाधि लगाए कुछ दिन ही बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ने लग गए। योगीराज को काफी दुख हुआ। नारद मुनि उस समय वहां से निकले योगीराज को व्यथित देखकर उनके दुख का कारण पूछा। योगीराज ने अपना दुख बताया तो नारद बोले कि हे योगीराज, आपने देह आचार का पालन नहीं किया है, इसलिए आपकी ये दशा हुई। अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखिएगा, भगवान का स्मरण कीजिएगा, पूजा करिएगा, तो आपकी देह जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी और आप रूप सौंदर्य को प्राप्त करेंगे। योगीराज ने नारद मुनि के सुझाव के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया। विधि अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करी और अपने